मेडिकल के बाद हम फोकस करेंगे फ्रेंड्स डोनेशंस के ऊपर। हमारा सेकंड कैटेगरी है विच इज डोनेशंस। फर्स्ट वाज मेडिकल एक्सपेंडिचर, सेकंड इज फ्रेंड्स डोनेशंस। मेडिकल एक्सपेंडिचर एज डिस्कस्ड ATU DDBB डी। अभी फ्रेंड्स डोनेशंस के ऊपर फोकस करेंगे, उसमें कौन से सेक्शंस होगी अब जरा चेक करते हैं। फर्स्ट होगा फ्रेंड्स ATG, सबसे फेमस सबसे फेबुलस सेक्शन ATG। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स ATG के बाद हमारे केस में ATGGB, ATGGC, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। GGB GGC दोनों कंबाइंड है, ATGGB ATGGC। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स ATGGA। ये हमारे पास डोनेशन के सेक्शन है, वो भी हमारे पास चार सेक्शन है एंड एक छोटी सी कनेक्टेड सेक्शन है इन रिलेशन टू रेंट पेड। यहाँ पे कंबाइन करना तो कर सकते हैं, बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले चार डोनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्लियर? ATG बहुत फेमस सेक्शन, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी ATGGB, ATGGC एंड लास्ट होगा फ्रेंड्स ATGGA, डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च। क्लियर? चलो अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट उसमें से फ्रेंड्स ATG। फ्रेंड्स आप जो भी डोनेशन देंगे टू वेरियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, टू वेरियस स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस, तो आपको उसका क्या मिलने वाला है डिडक्शन। डोनेशंस को प्रमोट करने के लिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया सॉरी फ्रेंड्स, डोनेशंस को प्रमोट करने के लिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया कि अलग अलग जगह पे आप डोनेशंस करेंगे तो उसका आप क्या क्लेम कर पाओगे फ्रेंड्स डिडक्शन। तो फ्रेंड्स इस डिडक्शन को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट होगा फ्रेंड्स 100% विदाउट लिमिट। ध्यान से वापस एक बार आपको समझना है फ्रेंड्स, इसको हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया। 100% विदाउट लिमिट, सेकंड होगा फ्रेंड्स हमारे पास 100% विदाउट लिमिट, सेकंड होगा फ्रेंड्स हमारे पास 50% विदाउट लिमिट। सर क्या बोल रहे हो, एक मिनट वेट करो फ्रेंड्स। 50% विदाउट लिमिट का मतलब यहाँ पे जो कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे आपको डिडक्शन कितना मिलेगा फ्रेंड्स 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा एंड उसमें कोई लिमिट अवेलेबल नहीं होगी। उसका मतलब ऐसा हुआ कि 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करो 100 रुपये का डिडक्शन आपका, 1,00,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करो 1,00,000 का डिडक्शन आपका, 5 अबज करोड़ कॉन्ट्रीब्यूट करो 5 अबज करोड़ का डिडक्शन फ्रेंड्स आपका होने वाला है। तो इट इज 100% विदाउट एनी लिमिट। डोनेशन जितना भी करेंगे फुल 100% एलिजिबल इट इज एलिजिबल फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट फ्रेंड्स डिडक्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 50% विदाउट लिमिट। उसका मतलब ऐसा हुआ डोनेशन का डिडक्शन तो फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होगा, बट 1,00,000 करेंगे तो 50,000 मिलेगा, 50,000 करेंगे तो 25,000 मिलेगा, 25,000 करेंगे तो 12,000 मिलेगा एंड सो ऑन फ्रेंड्स। क्लियर? 100 रुपये का करेंगे तो 50 रुपये का मिलेगा एंड सो ऑन फ्रेंड्स। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है इज फ्रेंड्स 100% विथ लिमिट। मतलब डिडक्शन तो मिलेगा बट लिमिट के साथ मिलेगा। वापस एक बार, डिडक्शन तो मिलेगा 100% मिलेगा, 1,00,000 कंट्रीब्यूशन करेंगे तो 1,00,000 मिलेगा, बट एक लिमिट आपको एप्लीकेबल होगी, वो लिमिट आपको नडेगी, वो लिमिट के साथ आप क्या क्लेम कर पाएंगे फ्रेंड्स डिडक्शन। एंड लास्ट फ्रेंड्स हमारे पास होगा इज 50% विथ लिमिट। मतलब डिडक्शन आपका होगा कितना, 50% होगा बट लिमिट के साथ अवेलेबल होगा। 100 रुपये करेंगे तो 50 रुपये मिलेंगे बट लिमिट के साथ। तो चार पॉइंट इंपॉर्टेंट, 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट, 100% विथ लिमिट, 50% विथ लिमिट। इस चार पार्ट्स में हमने हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन को डिवाइड किया हुआ है फ्रेंड्स। लॉ ने ATG ने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को डिवाइड किया हुआ है फ्रेंड्स। अभी चेक करो फ्रेंड्स, मजा स्टार्ट्स नाउ। फर्स्ट कैटेगरी आप चेक करो, जो ये हमारे पास ATG है, एलिजिबल असेसी कौन सा, कोई भी असेसी फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्क पड़ता नहीं है। कोई भी असेसी हो, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कोई भी असेसी हो, इट डज नॉट मैटर्स एट ऑल। यहाँ पे आपको फुल डिडक्शन अवेलेबल होगा, मतलब कोई भी असेसी को यहाँ पे डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। कैटेगरी वन आप चेक करो फ्रेंड्स, कैटेगरी वन इज 100% विदाउट लिमिट, कोई लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं फ्रेंड्स। खाली कितने पॉइंट्स है पता है फ्रेंड्स, खाली 21 पॉइंट्स है जहां पे आप डोनेशंस देंगे आपको क्या मिलने वाला है डिडक्शन। सेकंड कैटेगरी इज फ्रेंड्स 50% विदाउट लिमिट, यहां पे आपको 50% मिल जाएगा बट लिमिट एप्लीकेबल नहीं है फ्रेंड्स। डिडक्शन 50% है बट लिमिट एप्लीकेबल नहीं है फ्रेंड्स। थर्ड आप चेक करो इस फ्रेंड्स 100% विथ लिमिट, लिमिट आपको एप्लीकेबल होगी बट डिडक्शन कितना होगा फ्रेंड्स आपका 100%। एंड लास्ट कैटेगरी आप चेक करो इस फ्रेंड्स 50% विथ लिमिट। क्लियर फ्रेंड्स?
तो कितना याद रखना है वो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स। देखो याद कितना रखना है, चेक करो, 21 पॉइंट्स है 100 परसेंटेज विदाउट लिमिट में, 50 परसेंट विदाउट लिमिट में 4 पॉइंट है, 100 परसेंट विथ लिमिट में 2 पॉइंट है एंड 50 परसेंट विथ लिमिट में खाली 5 पॉइंट है फ्रेंड्स। तो फाइनली ये टोटल चला गया फ्रेंड्स, सॉरी 21 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 फ्रेंड्स, खाली आपको 32 पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो 32 पॉइंट्स अलग अलग आपको याद रखने होंगे कि कहाँ पे कितना डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होगा, पता चला। चिंता ना करो फ्रेंड्स, हमारे पास एक सुपर डुपर टेक्निक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक है, कोई वीडियो में कोई जगह पे अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज खुद से इन्वेंट हुआ है फ्रेंड्स। तो ये एकदम ईजी हो जाएगा फ्रेंड्स आपके लिए, एकदम एकदम टाइम पास लगेगा 80G 10-15 मिनट के बाद फ्रेंड्स। अब जरा चेक करता है, 100 परसेंटेज विदाउट लिमिट, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा सर लिमिट कितनी, वो मैं समझाता हूँ लिमिट कितनी, बट पहले चार पार्ट्स में उसका बाइफर्केशन करने दो फ्रेंड्स। चलो चेक करो, फर्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड आया नेशनल, मतलब जब जब आपको नेशनल वर्ड देखने को मिले, ध्यान से, जब जब आपको नेशनल वर्ड देखने को मिले, आपको समझने का आपका डिडक्शन कितना होगा 100 परसेंटेज विदाउट लिमिट। मतलब कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन में नेशनल वर्ड देखने को मिल गया ना, तो चौकन्ना हो जाने का डिडक्शन कितना हो जाएगा 100 परसेंटेज विदाउट एनी एप्लीकेबल लिमिट। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर, तो जब जब आपको प्राइम मिनिस्टर वर्ड देखने को मिले, चौकन्ना हो जाने का डिडक्शन आपका कितना हो जाएगा 100 परसेंटेज विदाउट लिमिट फ्रेंड्स। पर प्राइम मिनिस्टर का एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अभी से आ गया, थोड़ा ध्यान रखना पड़े फ्रेंड्स। प्राइम मिनिस्टर का एक ही एक्सेप्शन कि जो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड हो, स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, तो फ्रेंड्स वो यहां पे कवर होगा, विच इज 50 परसेंटेज विदाउट लिमिट। एक ही एक्सेप्शन, बाकी कोई चिंता नहीं फ्रेंड्स, बाकी एकदम स्मूथली चकाचक जाएगा। नेशनल प्राइम मिनिस्टर, पर प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड हो तो वापस कहां पे कवर होगा, इट वुड बी कवर्ड अंडर 50 परसेंटेज विदाउट लिमिट। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स अफ्रीका, सर ये तो हर एक याद तो रखने पड़ते हैं, आप चिंता ना करो फ्रेंड्स, एकदम इजी हो जाएगा। तीन वर्ड अब तक हमारे मन में क्लियर हो गए फ्रेंड्स, फर्स्ट वाज नेशनल, देन प्राइम मिनिस्टर, देन अफ्रीका। इन शॉर्ट ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप क्या करके आएंगे 100 परसेंटेज विदाउट एनी एप्लीकेबल लिमिट। नेक्स्ट चेक करो नेशनल, देखो नेशनल वर्ड आया, नेशनल वर्ड आया, डिडक्शन कितना मिलेगा 100 परसेंटेज विदाउट एप्लीकेबल लिमिट। नेक्स्ट आप चेक करो नेशनल, नेशनल वर्ड आया, नेशनल वर्ड आया, 100 परसेंटेज विदाउट एप्लीकेबल लिमिट। नेशनल, नेशनल वर्ड आया, 100 परसेंटेज विदाउट एप्लीकेबल लिमिट। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स वर्ड जिला, तो जिला इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर वॉट 100 परसेंटेज विदाउट एप्लीकेबल लिमिट। चार वर्ड हो गए हमारे पास, नेशनल, पीएम, अफ्रीका, जिला, बाद में एक सीक्वेंस भी है जिससे एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए ये सब याद रखना, बट इस चार वर्ड्स को देख के आपको क्या बोलना है 100 परसेंटेज विदाउट एप्लीकेबल लिमिट, एलिजिबल इज डिडक्शन फ्रेंड्स। क्लियर, नेक्स्ट आप चेक करो, वापस एक बार नेशनल वर्ड आया, नेक्स्ट एक वर्ड आएगा फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट वर्ड देख के भी आप क्या करेंगे 100 परसेंटेज विदाउट एप्लीकेबल लिमिट, जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे फुल डिडक्शन फ्रेंड्स आपको उसका अवेलेबल एलिजिबल होगा। नेक्स्ट आप चेक करो सेंट्रल वर्ड आया, मतलब सेंट्रल वर्ड देख के भी आप क्या क्लेम करोगे 100 परसेंटेज विदाउट एनी एप्लीकेबल लिमिट, डिडक्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे इज CM, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वर्ड सुन के भी आप क्या करोगे 100 परसेंटेज विदाउट लिमिट। सर साथ साथ तो वर्ड हो गए, कितने याद रखने पड़ेंगे, बस इसके अलावा कुछ याद ही रखना है फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट चेक करो नेशनल रिपीट हुआ, नेशनल रिपीट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट रिपीट हुआ, मतलब हमने याद रखा था वर्ड सेंट्रल, मतलब सेंट्रल वर्ड रिपीट हुआ। नेक्स्ट चेक करो नेशनल वर्ड रिपीट हुआ, स्टेट वर्ड रिपीट हुआ, स्टेट याद रखा था, नहीं रखा था फ्रेंड्स हमने, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बरोबर ना, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो ये वर्ड रिपीट हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा वहाँ पे नेशनल वर्ड रिपीट हुआ, नेशनल वर्ड रिपीट हुआ, नेशनल वर्ड रिपीट हुआ, सेंट्रल वर्ड रिपीट हुआ, सेंट्रल वर्ड रिपीट हुआ फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, एकदम मजबूत, एकदम ईजी हो गया फ्रेंड्स। ये सात वर्ड, इसको भी एकदम सिंपल मेथड में हम याद रख सकते हैं। देखो कैसे याद रखने का, चिंता ना करो फ्रेंड्स आप। फर्स्ट आप इंडिया के बाहर गए थे अफ्रीका, अफ्रीका से आप इंडिया आए, बरोबर समझने का ट्राई करो। तो इंडिया है तो इंडिया इज नेशनल, इंडिया इज सेंटर, मतलब सेंट्रल स्टेट में से सेंट्रल हो गया ना, तो सेंट्रल स्टेट में से सेंट्रल, तो दो वर्ड कॉम्बिनेशन हो गए, सिनोनिम्स जैसे हो गए, सेंट्रल नेशनल। तो पहले कौन सा बोलने का, सेंट्रल, बिकॉज ABCD में सी पहले आता है, याद करो ABCDEFG, तो सी पहले आया फ्रेंड्स। तो अफ्रीका सेंट्रल, बाद में उसका सिनोनिम्स कौन सा, नेशनल, सेंट्रल में कौन होगा, PM,
ओहो चार वर्ड तो याद रह गए, कितना इजी नहीं 80 जी तो टाइम पास लगेगा फ्रेंड्स, 10 मिनट खाली मुझे दे दो आपके लाइफ के। अफ्रीका, बाद में आएगा सेंट्रल, बाद में आएगा नेशनल, बाद में आएगा पीएम। बट ध्यान रखना है पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड होगा वो कहाँ पे कवर होगा, 50% विदाउट लिमिट। तो पूरा एक बार खाली पढ़ लेना पीएम पूछे तो, बाकी तो दन दन आंसर देंगे, चकाचक करेक्ट ही होगा। आंख बंद करके आंख खोली रखना फ्रेंड्स जब कंप्यूट करो तब। तो फर्स्ट अफ्रीका, सेंट्रल, नेशनल, पीएम। अब फ्रेंड स्टेट के ऊपर आओ तो स्टेट में कौन होगा, सीएम। तो ये नेक्स्ट हमारा वर्ड हो गया स्टेट, उसमें कौन होगा, सीएम। एंड स्टेट में पता है जिला, अहमदाबाद इज जिला, अहमदाबाद इज डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं गुजराती में जिल्लो, तो इट इज जिला। तो लास्ट वर्ड हमारे पास कौन सा हो गया, जिला। बोलो क्लियर, ऐसे शुरू किया था अफ्रीका, सेड के ऊपर खत्म किया जिला। बोलो है ना चकाचक, खुद से बनाया हुआ है खाली आपके लिए फ्रेंड्स। शुरू करते हैं अफ्रीका, सेंट्रल, नेशनल, पीएम, स्टेट, सीएम, जिला। बोलो ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, बोलो ना नेशनल, सॉरी अफ्रीका, सेंट्रल, नेशनल, पीएम, स्टेट, सीएम, जिला। क्लियर, ये 7 वर्ड देख के आपको बोलना है डिडक्शन आपका कितना, 100% विदाउट एनी एप्लीकेबल लिमिट फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे लिख दूँ ये 7 वर्ड हमारे रेफरेंस के लिए। फर्स्ट उसमें से कौन सा था, इस फ्रेंड्स अफ्रीका, बाद में सेंट्रल, नेशनल, उसमें कौन होंगे पीएम, बाद में आएगा स्टेट, बाद में आएगा सीएम, लास्ट कौन सा वर्ड होगा, जिला। तो ये 7 वर्ड देख के डिडक्शन कितना क्लेम करना है, 100% विदाउट एनी एप्लीकेबल लिमिट। नेक्स्ट आएगा फंड्स हमारे वहां पे 50% विदाउट लिमिट, डिडक्शन तो मिलेगा बट डिडक्शन कितना मिलेगा, 50% बट विदाउट एनी एप्लीकेबल लिमिट। 4 पॉइंट, एक पॉइंट तो उसमें से हमको पता है पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल, इंदिरा, राजीव, मतलब ये तो सब परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं। जवाहरलाल की डॉटर, इंदिरा के सन कौन, राजीव गांधी, मतलब पूरी हायरार्की ही है अब चेक करने के लिए जाओ तो इन दिस सिनेरियो पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड जवाहरलाल, इंदिरा, राजीव। तो ये केस में डिडक्शन कितना मिलेगा, 50% 50% विदाउट एनी एप्लीकेबल लिमिट फ्रेंड्स। क्लियर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे रेफरेंस के लिए 50% विदाउट लिमिट। फर्स्ट उसमें से ध्यान रखना है फ्रेंड्स पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, फर्स्ट उसमें से ध्यान रखना है इस पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा जवाहरलाल, इंदिरा, राजीव गांधी। क्लियर, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स 100% विथ लिमिट, उसमें तो 2 ही है, एकदम सिंपल हो जाएगा फ्रेंड्स आपके लिए, 2 ही है फ्रेंड्स। ओलंपिक्स, फैमिली प्लानिंग, हम क्या बोलेंगे ओलंपिक्स में फैमिली प्लानिंग, पता चला तो ये डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे फ्रेंड्स। ओलंपिक्स एंड फैमिली प्लानिंग इट इज 100% विथ लिमिट, डिडक्शन आपको कितना मिलेगा 100% विथ एप्लीकेबल लिमिट फ्रेंड्स। क्लियर, लास्ट आएगा 50% विथ लिमिट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। देन आएगा फ्रेंड्स चैरिटेबल, चैरिटेबल मतलब एक वर्ड याद रखने का चैरिटेबल, चैरिटेबल तो वर्ड चैरिटेबल सुन के क्या बोलने का 50% विथ लिमिट चैरिटेबल। बाद में आएगा फ्रेंड्स हाउसिंग अकोमोडेशन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसटी बैकवर्ड क्लास, मतलब इट इज एक्चुअली माइनॉरिटी कम्युनिटी, यहाँ पे ऐसे वर्ड्स लो हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी। एंड लास्ट में होगा फ्रेंड्स ये सब रिलीजियस प्लेसेस आप चेक कर सकते हो, टेंपल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च एक्सेट्रा फ्रेंड्स। क्लियर, तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स हमारे पास है, 5 वर्ड्स आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट उसमें से है चैरिटेबल फ्रेंड्स, ध्यान से फर्स्ट उसमें से है चैरिटेबल, चैरिटेबल के बाद आप चेक करो फ्रेंड्स हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड है हाउसिंग अकोमोडेशन। चैरिटेबल के बाद फ्रेंड्स एक वर्ड याद रखना है हाउसिंग अकोमोडेशन, बाद में नेक्स्ट इज फ्रेंड्स माइनॉरिटी कम्युनिटी, लास्ट वर्ड कौन सा होगा फ्रेंड्स रिलीजियस प्लेसेस, टेंपल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च एक्सेट्रा फ्रेंड्स। क्लियर, तो ये 4 चीज एटीजी का हार्ट है फ्रेंड्स। क्लियर, 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट, 100% विथ लिमिट, 50% विथ लिमिट। शुरू करते हैं 100% विदाउट लिमिट, अफ्रीका, सेंट्रल, नेशनल, पीएम, स्टेट, सीएम, जिला। फिर ज्यादा तो क्या करते पता है, हाँ बोलते हैं, हाँ 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 सर परफेक्ट बोले फ्रेंड, मुझे तो आता ही है, जितनी बार मैं बोलूंगा उतना मेरा पक्का होगा फ्रेंड, बट मेरा तो पक्का ही है,
आपको एकदम मगज में इस चीजों को फिट करना है फ्रेंड्स। तो आप मेरे साथ बोलते चलो तो गजब फायदा होगा, गजब मतलब गजब फायदा होगा। शुरू करते हैं अफ्रीका, सेंट्रल नेशनल पीएम, स्टेट सीएम जिल्ला। नेक्स्ट आएगा 50% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट पीएम ड्रॉ ट्रेली फंड, जवाहरलाल इंदिरा राजीव गांधी। 100% विथ लिमिट ओलंपिक्स में फैमिली प्लानिंग, बरोबर। लास्ट आएगा 50% विथ लिमिट, उसमें फ्रेंड्स फर्स्ट इज चैरिटेबल पर्पस, मतलब चैरिटेबल वर्ड इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, हाउसिंग अकोमोडेशन एंड लास्ट होगा रिलीजियस प्लेसेस फ्रेंड्स। क्लियर? नाउ व्हाट इज अवर एप्लीकेबल लिमिट फ्रेंड्स, लिमिट कितनी, लिमिट दो बार एप्लीकेबल हुआ, लिमिट दो बार आई फ्रेंड्स, विथ लिमिट सॉरी ये तो विदाउट था फ्रेंड्स, इट इज विथ लिमिट, 100% विथ लिमिट, 50% विथ लिमिट। तो लिमिट कितनी है फ्रेंड्स, हमारे पास प्रिंटेड अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो हमारे पास लिमिट कितनी होगी फ्रेंड्स। हमारे पास जो लिमिट अवेलेबल होगी इट इज फ्रेंड्स 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, हमारी लिमिट है फ्रेंड्स 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, सिंपल वर्ड्स में 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई इज अवर एप्लीकेबल लिमिट। एक तो लिमिट पता नहीं थी, पता चली तो पता चला कि और एक वर्ड है जो पता नहीं है, पता चला क्या नहीं पता चला, समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ फ्रेंड्स। लिमिट कितनी, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, तो एडजस्टेड जीटीआई का मतलब क्या, एकदम सिंपल फ्रेंड्स, अभी एडजस्टेड जीटीआई का मतलब ये रहा आपके सामने पेश। उसमें से फर्स्ट इज फ्रेंड्स किसको एडजस्ट करना है, नाम में कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसको एडजस्ट करना है, तो जीटीआई को एडजस्ट करना है। तो हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स जीटीआई से, विच इज ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई से हमने शुरू किया, उसमें से सारे डिडक्शन को हमको लेस करना है, बट एक्सेप्ट एटीजी, यू नीड टू रिड्यूस ऑल डिडक्शन बस एक्सेप्ट एटीजी। तो जीटीआई लेस ऑल डिडक्शन बट एक्सेप्ट एटीजी। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये स्पेशल इट इनकम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज अंडर सेक्शन 111 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल है। दो स्पेशल इनकम को हमको लेस करना है, बट सारे स्पेशल इनकम को लेस नहीं करना है। अब चेक करो फ्रेंड्स, तो कैजुअल इनकम को लेस नहीं करना है, पता चला जो 30% से टैक्सेबल है विनिंग फ्रॉम लॉटरी काउंसिल पजल कार्ड के मदर गेम्स, तो यहां पे आपको लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स। वापस एक बार, व्हाट इज अवर लिमिट, लिमिट इज फ्रेंड्स 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। व्हाट इज एडजस्टेड जीटीआई, इज जीटीआई लेस ऑल डिडक्शन बट एक्सेप्ट एटीजी, लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट विच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, विच इज अंडर सेक्शन 111। नॉर्मल शॉर्ट टर्म गेन आपको लेस करने की जरूरत नहीं है, दो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारे पास अवेलेबल है। एक शॉर्ट टर्म गेन 111 हो मतलब आपके आपने उसके ऊपर एसटीटी पे किया होगा, विच इज टैक्सेबल 15%, समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज अंडर सेक्शन 111 मतलब आपने उसके ऊपर एसटीटी पे किया होगा तो उसके ऊपर 15% टैक्सेबल है। जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म गेन होगा ऐसा लिखा होगा खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर एसटीटी ना पे किया हो इट इज टैक्सेबल एज पर स्लैब। बोलो क्लियर? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा यहां से लेस करना है, टू अराइव एट एडजस्टेड जीटीआई जो आपको लेस करना है वो आपको कौन सा लेस करना है, इज फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, दो स्पेशल इनकम को लेस करना है, शॉर्ट टर्म 111 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रेंड्स और आपको लेस करना है। आई थिंक ये कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है मेरे हिसाब से। एन इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट पेएबल, तो कोई ऐसी इनकम जिसके ऊपर इनकम टैक्स पेएबल ना हो उसको आपको लेस करना है, तो वो तो लेस ही करना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो जीटीआई में फॉर्मिंग पार्टी नहीं होगा, मतलब ये मैं इतना इसको खास मानता नहीं हूं फ्रेंड्स। एंड लास्ट आएगा विच इज इनकम रिफर टू इन 115A, 115AB, 115AC, 115AD, 115D। ये फाइनल के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, तो शायद अभी इसके बाद हम इसको अभी यहां से लेस ना करें तो चले फ्रेंड्स, मतलब बोलने के लिए लेस तो करना ही है लॉ में, पर अभी हम ना बोले तो उसको चले, ये ज्यादा रिलेवेंट है सीए फाइनल के लिए फ्रेंड्स। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, विच इज सेक्शन 80G, चार पार्ट्स, 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट, 100% विथ लिमिट, 50% विथ लिमिट, चार पास में उसका डिवीजन कर दिया। बाद में लिमिट कितनी, एज डिस्कस लिमिट इज व्हाट फ्रेंड्स, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, ये अपने बुक्स में लिख दो फ्रेंड्स आप, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। व्हाट इज एडजस्टेड जीटीआई, इज फ्रेंड्स जीटीआई लेस ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट एटीजी, लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है। बोलो क्लियर? लेस 115A, AB, AC, AD, D लेस करना, बोलना हो तो बोलो, ना बोलना तो खास फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आज सुबह की बात करो फ्रेंड्स, आज सुबह मैं एक जगह पे जा रहा था फ्रेंड्स, कौन सी जगह पे जा रहा था भूल गया फ्रेंड्स, याद नहीं है, समझो ना कोई जगह पे जा रहा था, थोड़ा एडजस्ट करो यार, कोई जगह पे जा रहा था फ्रेंड्स, रास्ते में मुझे ऐप मिले, समझे कटाई करो फ्रेंड्स क्या हुआ, रास्ते में ऐप मुझे मिले। एक्चुअली जब मैं रास्ते में जा रहा था ना फ्रेंड्स, तो मेरे पास मेरे एक्टिवा में पार्ले जी बिस्किट का पैकेट था, समझने का ट्राई करो क्या हो रहा है,
₹1,00,000 के पार्ले जी के बिस्किट्स मेरे पास अवेलेबल थे फ्रेंड्स। ओके, पार्ले जी बिस्किट था, कोल्ड बिस्किट नहीं था, पार्ले जी का बिस्किट था फ्रेंड्स। 1,00,000 के पार्ले जी के बिस्किट, जबरदस्त पार्ले जी बिस्किट मेरे पास अवेलेबल थे फ्रेंड्स। तो मैं एक्टिवा लेके रास्ते से जा रहा था, तो फ्रेंड्स रास्ते में आप मुझे मिले, आपकी नज़र बिस्किट के ऊपर बिगड़ी एंड आपने मुझे बोला सर बिस्किट देंगे। तो मैंने ₹1,00,000 के बिस्किट आपको डोनेट कर दिया, डिडक्शन मुझे अवेलेबल हो जाएगा। बोलो कितना? 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट, 100% विद लिमिट, 50% विद लिमिट। बोलो डिडक्शन मुझे कहाँ पे मिलेगा? लो कहता है डोनेशन काइंड से करो, काइंड में मत करो, एलिजिबल डिडक्शन के लिए फ्रेंड्स। काइंड में करो बहुत अच्छी बात ही, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट डिडक्शन पर्पज के लिए। इफ डोनेशन इज इन काइंड इट विल नॉट बी क्वालिफाइंग फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन। तो इफ डोनेशन इज इन काइंड इट इज नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स? डिडक्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैश की लिमिट यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई फ्रेंड्स, 2000 के ऊपर जो भी आप कैश कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे इट विल नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन ऑफ एनी सम एक्सीडिंग ₹2,000 अनलेस सच सम इज बाय एनी मोड अदर देन कैश फ्रेंड्स। तो 2000 के ऊपर आपने कैश पेमेंट किया है तो इट इज नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स? डिडक्शन। ठीक है, इतना ध्यान रखना है हमको ATG पर्पज के लिए फ्रेंड्स। ध्यान से चार बातें, 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट, 100% विद लिमिट, 50% विद लिमिट। लिमिट कितनी? एज एक्सप्लेन्ड इट स्पेंड्स 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। लिखना तो लिख दो फ्रेंड्स आपके रेफरेंस के लिए, लिमिट इज इक्वल टू फ्रेंड्स 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। व्हाट इज एडजस्टेड GTI? तो अवर एडजस्टेड GTI इज फ्रेंड्स GTI लेस करेंगे ऑल डिडक्शंस अंडर सेक्शन ATC2 ATU, बट फ्रेंड्स एक्सेप्ट ATG, फर्दर लेस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 और 112 कैपिटल है, लेस करेंगे फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट दिस इज स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 111 है, लेस 115A AB AC ADD, वो इंटरपर्पज के लिए हमने याद रखेंगे तो चलेगा फ्रेंड्स। क्लियर? 2000 के ऊपर कैश कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना है फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ डिडक्शन। 2000 के ऊपर कैश कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो फुल डिसअलाउंस आएगा, मतलब एक भी रुपए का डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। सपोज ₹3,000 आपने कैश कॉन्ट्रीब्यूट किया ना फ्रेंड्स, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? जीरो, मतलब शाहरुख खान। डोनेशन इन काइंड अगेन नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट फ्रेंड्स? डिडक्शन। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, अभी छोटा सा एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँ आपको, बाद में इसका क्वेश्चन हम फोकस करेंगे फ्रेंड्स। सपोज फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि आपका डोनेशन था, प्लीज समझ जो एकदम केयरफुली, आपका डोनेशन था ₹1,00,000। किसको डोनेशन था? एग्जांपल के तौर पे 50% विथ लिमिट वाले में आपका डोनेशन था, तो 50% विथ लिमिट आपको पता चल चुका है इस फ्रेंड्स ओलंपिक्स में फैमिली प्लानिंग। सपोज हम ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था 1,00,000 विच वॉज एलिजिबल फॉर 50% विथ लिमिट। एंड फ्रेंड्स आपकी जो लिमिट हमने कंप्यूट की इट इज 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। सो सारा कंप्यूटेशन करने के बाद हमारी एप्लीकेबल लिमिट कितने है फ्रेंड्स पता है? हमारी एप्लीकेबल लिमिट आई इज फ्रेंड्स सपोज 70,000 इज अवर एप्लीकेबल लिमिट फ्रेंड्स। तो डोनेशन वॉज ऑफ ₹1,00,000 एंड एप्लीकेबल लिमिट वॉज ₹70,000 फ्रेंड्स। तो हमको जो डिडक्शन मिलेगा ना वो फ्रेंड्स डिडक्शन कितना होगा अंडर सेक्शन ATG, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हमारा जो डिडक्शन होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हमको जो करना है वो ध्यान से प्रैक्टिस करना है कि हम एप्लीकेबल करेंगे पहले लिमिट, बाद में उसका 50%। कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो उसके लिए पहले मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। देखो दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, पहले मैं डोनेशन का 50% करूंगा 50,000, उसके बाद उसको लिमिट के साथ कंपेयर करूंगा विच इज 70,000, तो डिडक्शन मेरा हो जाएगा 50,000। पता चला जो मैं कह रहा हूं वो? वापस एक बार, पहले मैं डोनेशन का 50% करूंगा, बाद में मतलब डोनेशन का 50% डिडक्शन कितना होगा 50,000, उसके बाद में उसको लिमिट के साथ कंपेयर करूंगा विच इज 70,000, तो मेरा डिडक्शन होगा 50,000 बिकॉज मेरा डोनेशन ही 50% हो गया फ्रेंड्स। सेकंड में क्या करूंगा, पहले लिमिट के साथ कंपेयर करूंगा, मतलब कितना 1,00,000 को लिमिट के साथ कंपेयर करूंगा विच इज 70,000, तो विच एवर इज लोअर, मतलब 70,000 आया, उसका मैं 50% करूंगा, मीनिंग दैट इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स 35,000 ऑफ रुपीस। तो हमको कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करनी है? हमको क्या करना है, पहले लिमिट के बाद 50% के पहले 50% उसके बाद एप्लीकेबल लिमिट। तो फ्रेंड्स हमको जो फॉलो करना है वो ये फॉलो करना है, इट इज फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट
बाद में उसका 50%। सिंपल वर्ड्स में जो मैंने याद रखा है वो क्या याद रखा है पता है, L5। पहले लिमिट करो, बाद में क्या करो उसका 50%। L50 भी याद रख सकते हो, L5 भी याद रख सकते हो, पहले लिमिट करेंगे बाद में क्या उसका 50%। ऐसे लॉ की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। तो इन दिस सिनेरियो हम पहले कंप्यूटेशन करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे लिमिट के साथ, मतलब इसको लिमिट के साथ कंपेयर करो विच इज 70,000, बाद में उसका 50% करो विच इज व्हाट फ्रेंड्स 35,000। तो 35,000 यहाँ पे आपका क्या होने वाला है फ्रेंड्स, डिडक्शन। तो जब भी हम क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तो ऑलवेज ध्यान रखने का पहले लिमिट बाद में 50%, इतना आपको केयरफुली रहना है फ्रेंड्स, क्लियर। एक और एग्जांपल छोटा सा ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। सपोज आपने फ्रेंड्स दो जगह पे डोनेशन दिए, डोनेशन वन सपोज 1,00,000 रुपए का था, ऐसी जगह के ऊपर दिया विच वॉज 100% विथ लिमिट, मतलब 4 पॉइंट आएंगे, 100% विथ लिमिट मतलब 2 पॉइंट आएंगे ओलंपिक्स में फैमिली प्लानिंग फ्रेंड्स, क्लियर। यहाँ पे फ्रेंड्स 50% विद लिमिट में सॉरी है, ओलंपिक्स फैमिली ओलंपिक्स नहीं आएगा फ्रेंड्स, माय मिस्टेक फ्रेंड्स, यहाँ पे ओलंपिक्स नहीं आएगा। 50% विद लिमिट में तो कौन कौन आएगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी, चैरिटेबल पर्पस, बाद में चैरिटेबल पर्पस, माइनॉरिटी कम्युनिटी, रिलीजियस प्लेसेस, ये सब कवर होंगे। हम बात करते सपोज चैरिटेबल पर्पस की, तो हमने डोनेशन दिया था फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया होगा, तो यहाँ पे ओलंपिक्स की जगह हमारे चैरिटेबल पर्पस आएगा फ्रेंड्स, क्लियर। तो सेकंड एग्जांपल के ऊपर फोकस करते हैं। डोनेशन फर्स्ट आपने दिया 1,00,000 रुपए का, जो एलिजिबल था फॉर द पर्पस ऑफ 100% विथ लिमिट, एंड फ्रेंड्स आपका जो सेकंड डोनेशन था वो था 2,00,000 रुपए का, विच वॉज एलिजिबल फॉर 50% विथ लिमिट। मैं इसमें डेटा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये 3 लैक्स कर देता हूँ, तो क्या थोड़ा कन्फ्यूजन आपको कम हो, क्लैरिटी आपकी बनी रहे फ्रेंड्स। तो 1,00,000 100% विथ लिमिट, 3 लैक्स इज 50% विथ लिमिट फ्रेंड्स, क्लियर। अभी फ्रेंड्स आपकी जो लिमिट आई ना, वो लिमिट कितने है पता है, ₹1,50,000 आपकी लिमिट आई। लिमिट कैसे कंप्यूट की थी फ्रेंड्स, हमने लिमिट ऐसे कंप्यूट की थी विच वॉज 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, ऐसे हमने लिमिट का कैलकुलेशन किया था, एंड वो लिमिट कैलकुलेशन करने के बाद लिमिट कितनी आ गई फ्रेंड्स हमारी 1,50,000 फ्रेंड्स। तो ये लिमिट हमको पता है फ्रेंड्स पहले लिमिट करनी पड़ेगी, बाद में उसका 50% करेंगे। तो फ्रेंड्स ये लिमिट पहले किसके लिए मुझे एग्जॉस्ट करनी चाहिए, मेरे पास दोनों ऑप्शन है, डोनेशन वन भी है मेरे पास, डोनेशन सेकंड भी मेरे पास अवेलेबल है। तो ये लिमिट मुझे पहले कहां पे यूज करनी चाहिए, ये लिमिट मुझे पहले कहां पे उसको यूटिलाइज करना चाहिए फ्रेंड्स। तो लॉजिकली सोचो ना फ्रेंड्स, तो मुझे बेनिफिट ज्यादा कहाँ पे मिलेगा, पहले मुझे बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स 100% विथ लिमिट वालों में, मतलब इसको मैं पहले यूटिलाइज करूंगा 100% विथ लिमिट में। मतलब आप यहाँ पे चेक करो, लिमिट मेरी 1,50,000 थी, डोनेशन मेरा कितना था 1,00,000 का, तो मुझे डिडक्शन भी कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, ₹1,00,000 पूरे पूरे डिडक्शन मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लियर। तो इसका डिडक्शन मुझे कितना अवेलेबल हो जाएगा, लिमिट मेरी 150 की है, डोनेशन मेरा 1,00,000 का था जो लिमिट वाला है, डिडक्शन मुझे कितना मिल जाएगा ₹1,00,000, तो पूरे पूरे डिडक्शन मुझे 1,00,000 का यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी जो मेरे पास बैलेंस लिमिट अवेलेबल होगी, वापस फ्रेश लिमिट अवेलेबल नहीं होगी, जो बैलेंस होगी वो लिमिट मेरे पास अवेलेबल होगी, वो कितनी हो जाएगी 50,000 फ्रेंड्स। मेरा डोनेशन वापस एक बार कितना हो गया, ₹3,00,000 का मेरा डोनेशन है फ्रेंड्स। तो डिडक्शन मेरा कितना हो जाएगा, डिडक्शन मेरा रहेगा फ्रेंड्स, आप चेक करो लिमिट के बाद में 50% का, पहले लिमिट के साथ कंपेयर करो बाद में उसका 50% फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे चेक करो, ये डोनेशन है उसको लिमिट के साथ कंपेयर करो, मतलब 50,000 उसका 50% करो, मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स ₹25,000, पता चला। पहले लिमिट बाद में 50%, ये डोनेशन है मेरा 1,00,000 रुपए का, यहाँ पे लिमिट है 150 की, तो मेरा डोनेशन लिमिट से कम है, मतलब लिमिट मेरी ज्यादा है डोनेशन से, तो मैंने 1,00,000 फुल डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर दिया फ्रेंड्स। सेकंड केस में चेक करो, तो मेरा डोनेशन 3,00,000 रुपए का है, यहाँ पे से चेक करो 3,00,000 रुपए का मेरा डोनेशन है, लिमिट कितनी है मेरी, बैलेंस लिमिट इज फ्रेंड्स 50,000, तो लिमिट के साथ उसको पहले कंपेयर करो विच इज 50,000 उसका 50%, विच इज 25,000 इज माई एलिजिबल अवेलेबल डिडक्शन फ्रेंड्स। तो मेरा टोटल डिडक्शन आप यहाँ पे चेक करो, तो मेरा टोटल डिडक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 1,00,000 प्लस 25,000, मीनिंग देयर बाय रुपीज 1,25,000। बोलो क्लियर फ्रेंड्स, एकदम सिंपल। तो दो चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, फर्स्ट इज L5, पहले लिमिट के साथ कंपेयर करो बाद में 50%, और पहले लिमिट के साथ करो बाद में 100% इवन, एंड यहाँ पे जो पहले मेरे पास दोनों डिडक्शंस होंगे, मतलब लिमिट 100% वाला भी अवेलेबल होगा, लिमिट 50% वाला भी अवेलेबल होगा, तो पहले मुझे ये डोनेशन को कहाँ पे यूटिलाइज करना है 100% विथ लिमिट, बाद में कहाँ पे यूटिलाइज करना है 50% विथ लिमिट फ्रेंड्स, क्लियर। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट ATG, एक क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स तो एकदम सुपर डुपर क्लैरिटी आपके मन में आ जाएगी फ्रेंड्स। ये सर आप चेक करो, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर ATG जो हमने डिस्कस किया, वो ये नेट क्वालिफाइंग हमारे पास लिमिट है जिसको बोलेंगे 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, जो मैंने लिखा है वो थोड़ा ज्यादा सिंपल है फ्रेंड्स, वो आप पढ़ेंगे तो आपके केस में बेटर रहेगा फ्रेंड्स, क्लियर। चलो नेक्स्ट चेक करो फ्रेंड्स।
ATG, ये आप चेक कर लो फ्रेंड्स, ATG, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर ATG इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन ऑफ एनी सम एक्सीडिंग रुपीज 10,000 की जगह, नाउ इट इज लिमिटेड रुपीज व्हाट फ्रेंड्स, रुपीज 2,000 अनलेस सच सम इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। क्लियर, ये 2,000 की लिमिट आपको अभी रिवाइज लिमिट है जो आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक्सक्लूसिव ATG के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसमें एक आध मिक्सिंग होगा शायद फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा, बट हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है फ्रेंड्स। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा एक दो बातें हैं फ्रेंड्स, ATCC से आएगी बाद में, ATCCC से आएगी, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बोलता रहूंगा फ्रेंड्स उस चीज में आपको, आप चिंता मत करो फ्रेंड्स, चेक करो क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर शिवा एजेड 61 ईयर्स, मतलब ही इज सीनियर सिटीजन, हैज ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ रुपीज 7,75,000, तो वॉट इज ग्रॉस टोटल इनकम, इज 7,75,000 फ्रेंड्स, कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, ऐसा लिखना जरूरी है बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी होगा, शॉर्ट टर्म ट्रिपल बने होगा, तो उसमें से फ्रेंड्स हमको डिडक्शन की एलिजिबिलिटी आ सकती नहीं है, पता चला फ्रेंड्स मैंने समझाया वो। ही हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, फर्स्ट आप चेक करो, ये फ्रेंड्स ATC है, अभी डिस्कस नहीं किया है हमने, सो मैं अमाउंट बता दूंगा, अभी आप एज इट इज फॉलो कर लेना फ्रेंड्स, क्लियर। प्रीमियम पेड टू इंश्योर द लाइफ ऑफ हर मेजर डॉटर, पॉलिसी इज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2016, तो फ्रेंड्स पॉलिसी जो 1 अप्रैल 2013 के बाद ली जाती है, ये पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स जो मैं बोल रहा हूँ, सो आपको ATC नहीं पता होगा, तो 1 अप्रैल 2012 के बाद जो पॉलिसी ली जाएगी, तो आपका डिडक्शन होगा मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड, यहाँ पे फ्रेंड्स सम एश्योर्ड 1,80,000 है, आपका प्रीमियम 20,000 है, अभी आप ATC याद रख लो फ्रेंड्स, इट वुड बी 18,000 ऑफ रुपीज, 18,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर विच सेक्शन ATC इज रुपीज फ्रेंड्स 18,000। नेक्स्ट ये एक बार ध्यान से पढ़ो फ्रेंड्स, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ 12,000, फॉर स्पाउस रुपीज 1,14,000, तो इट इज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हमारे मन में एकदम क्लियर है, इज फ्रेंड सेक्शन ATD, दोनों का टोटल करेंगे 26,000 फ्रेंड्स। सर लिमिट है 25,000, अरे लिमिट है 50,000, ये चेक करो 61 है, बरोबर ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट तो हमारा ATD हो गया 26,000 फ्रेंड्स, चलो इसके ऊपर फोकस करना, डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल, याद आ रहा है ना फ्रेंड्स, चैरिटेबल अंडर सेक्शन ATG रुपीज 1,50,000 बाय वे ऑफ चेक, तो चैरिटेबल वाला कहाँ पे फॉलो होगा फ्रेंड्स, इट विल बी फॉलोइंग अंडर 50% विथ लिमिट, बोलो क्लियर, तो चैरिटेबल वाला फॉलो होगा 50% विथ लिमिट। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स LIC पेंशन फंड 6,060,000, इसका डिडक्शन फंड्स आपको मिलेगा 83C, ये डिस्कस नहीं किया फ्रेंड्स, ये पता नहीं चलेगा, डोंट वरी, 83C आएगा हमारा कितना फ्रेंड्स 6,060,000, क्लियर। चलो आगे बढ़ो फ्रेंड्स, नेशनल डोनेशन टू नेशनल, बोलो नेशनल नहीं बोलना है फ्रेंड्स, बोलना क्या है 100% विदाउट लिमिट, क्लियर। नेक्स्ट चेक करो फ्रेंड्स, जवाहरलाल 25,000 चेक 50% विदाउट लिमिट, जवाहरलाल, इंदिरा, राजीव, PM ड्रॉ टेलीफंड, इट वुड बी फ्रेंड्स 50% विदाउट लिमिट। लास्ट चेक कर लो, फैमिली प्लानिंग डोनेशन फॉर फैमिली प्लानिंग 40,000 चेक 100% विथ लिमिट फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन है पूरा जो हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, वापस एक बार मैं याद करवा दूंगा फ्रेंड्स, ये वीडियो अभी पॉज कर लो, खुद से एक बार ट्राई करो क्वेश्चन, बाद में वापस एक बार इस वीडियो को शुरू करो फ्रेंड्स, तो बेस्ट कंटेंट आपके मगज में क्लियर हो जाएगा, जो आउटपुट आएगा इस पर्टिकुलर कंटेंट का वो फ्रेंड्स अजब गजब होगा, आप सोच भी नहीं सकोगे इतना जोरदार हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लियर। आओ अभी मैं ट्राई करता हूं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, हमारा आंसर 8 फ्रेंड्स, ध्यान से क्या कंप्यूट करना है फ्रेंड्स, हमको कंप्यूट करना है, ओ वो तो लिखा ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, करना क्या है, हम कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम फ्रेंड्स, क्लियर। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर मिस्टर शिवा फ्रेंड्स, हेडिंग प्रॉपर लिखना आप, अभी मैं ऐसा लिख रहा हूं फ्रेंड्स, मिस्टर शिवा जो है उसकी एज है 61, बहुत मायने रखती है फ्रेंड्स,
बिकॉज लिमिटेड ईडी में कितनी हो जाएगी 5050,000। क्लियर, दो कॉलम बनाना है फ्रेंड्स हमको। फर्स्ट इज फ्रेंड्स पर्टिकुलर्स, सेकंड फ्रेंड्स अमाउंट रुपीस। चलो फर्स्ट हमारे पास क्या अवेलेबल है फ्रेंड्स, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से हम क्या लेस करेंगे फ्रेंड्स, वेरियस डिडक्शंस। कौन से देखे फ्रेंड्स हमने, हमने ATC देखा, ATCCC था, ATD था, बाद में ATG था, इतने थे ना फ्रेंड्स। आप चेक कर लो वापस एक बार, ATC ATD CCC, ये था CCC, एंड फ्रेंड्स लास्ट में क्या हम कंप्यूट करेंगे, ATG। क्लियर, तो ये सारे रिडक्शंस हम यहाँ से लेस करते जाएंगे, फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो क्या होने वाला है, टोटल इनकम। क्लियर, वन बाय वन हर एक को कंप्यूट करते जाते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अभी फ्रेंड्स वर्किंग नोट्स आएगी, जिसको हम लिखोगे नोट्स। एग्जाम में फ्रेंड्स नोट्स लिखने कंपलसरी है, मैंडेटरी है फ्रेंड्स। वर्किंग नोट फर्स्ट आएगा वन, विच इज ATC। शायद ये पता ना चले फ्रेंड्स, आप चिंता मत करना, वो ATC हमने डिस्कस नहीं किया है फ्रेंड्स। क्लियर, प्रीमियम हमने जो पे किया है फ्रेंड्स, प्रीमियम पेड है हमारा, एक बार आप चेक कर लो प्रीमियम पेड कितना था फ्रेंड्स हमारा, आप चेक कर लो, इस फ्रेंड्स ₹2020,000 एंड अश्योर्ड वैल्यू इज ₹1,80,000 फ्रेंड्स। क्लियर, तो प्रीमियम पेड इज 2020,000 फ्रेंड्स, हमारा सम एश्योर्ड, इसको सम एश्योर्ड बोलते हैं, इज फ्रेंड्स 1,80,000। लिमिट जो होगी वो होगी 10% ऑफ सम एश्योर्ड, सो लिमिट हो जाएगी 1,818,000। सो फ्रेंड्स हमको डिडक्शन अवेलेबल होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, 18,000। तो 18,000 इज अवर डिडक्शन अंडर विच सेक्शन फ्रेंड्स, ATC। तो 18,000 इज अवर एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स मैं 18,000, ओ डिडक्शन सॉरी GTI तो लिखा नहीं है फ्रेंड्स। GTI कितना था हमारा, चेक कर लो वापस एक बार फ्रेंड्स, इट वॉज 7,75,000। तो हमारा GTI था 7,75,000। क्लियर, एकदम मजबूत, 18,000 का हमारा ATC हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्किंग नोट टू इज फ्रेंड्स ATCCC, एकदम सिंपल है, विच इज पेंशन फंड, ना लिखो तो भी चले फ्रेंड्स ये तो, बिकॉज एक ही यहाँ पे है। पेंशन फंड कितना है फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो, पेंशन फंड हमारा है LIC पेंशन फंड ₹6,060,000 फ्रेंड्स। तो 60,000 का आप यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे डिडक्शन, शायद किसी को पता होगा ATC ATCCC ATCCD सबसेक्शन 1 कंबाइंड होके 150 की मैक्सिमम लिमिट आपको अवेलेबल होगी फ्रेंड्स। आप यहाँ पे चेक करो, 80,000 प्लस 60,000 कंबाइंड होके खाली 78,000 रुपीज़ हो रहा है, मतलब कंबाइंड लिमिट की चिंता यहाँ पे आपको नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर, तो पेंशन फंड यहाँ से मैं कितना लेस कर दूँ, ATCCC इज फ्रेंड्स 60,000। तो टोटल 78 है, विच डज नॉट एक्सीड ₹1,50,000, सो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर, नेक्स्ट आएगा हमारा वर्किंग नोट थ्री फ्रेंड्स, डिडक्शन अंडर सेक्शन ATD, प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ एंड प्रीमियम इज पेड फॉर स्पाउस फ्रेंड्स। क्लियर, कुछ सेल्फ का प्रीमियम है, कुछ स्पाउस का प्रीमियम है। अब चेक करो फ्रेंड्स, सेल्फ का प्रीमियम कितना था, सेल्फ का प्रीमियम था ₹12,000, स्पाउस का था ₹14,000 फ्रेंड्स। तो सेल्फ का प्रीमियम है 12,000, स्पाउस का है फ्रेंड्स 14,000, टोटल आपका हो गया फ्रेंड्स 26,000, प्रीमियम आपका हो गया 26,000 फ्रेंड्स। लिमिट कितनी अप्लीकेबल होगी, यहाँ पे जो लिमिट होगी इट वुड बी 5,050,000, बिकॉज एज कितनी है शिवा की, 61। सो डिडक्शन हमारा जो होगा वो डिडक्शन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ₹26,000 फुल, जो इतना भी हमने प्रीमियम पे किया उतना हमको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, डिडक्शन। तो 26,000 इज फ्रेंड्स अवर एलिजिबल डिडक्शन, तो यहाँ पे 26,000 को हम लेस कर देंगे। सर आपने पहले ये सब क्यों कंप्यूट कर दिया, ATC ATCCC ATD को पहले क्यों कंप्यूट कर दिया, अरे याद करो जब हम ATG कंप्यूट करेंगे उसमें जब लिमिट कंप्यूट करेंगे तो लिमिट के केस में हमको 10% ऑफ एडजस्टेड GTI हमारी लिमिट है। व्हाट इज एडजस्टेड GTI, इज GTI लेस ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट ATG, तो सारे डिडक्शंस अवेलेबल होंगे तो कंप्यूट कर पाएंगे ना लिमिट फ्रेंड्स। पता चला ना क्यों हमने पहले कंप्यूट कर दिया फ्रेंड्स, चेक करो। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स वर्किंग नोट फोर, इट्स फ्रेंड्स ATG। चलो हमारे पास आप एग्जाम्पल में चेक करो तो फ्रेंड्स चारों चार डोनेशन है, देखो 100% विदाउट लिमिट वाले भी है,
50% विदाउट लिमिट वाले भी है, 100% लिमिट वाले भी है, 50% विथ लिमिट वाले भी है फ्रेंड्स। तो हमको पता है कि हमको लिमिट एप्लीकेबल होगी, तो जब ये डोनेशन के ऊपर आएंगे बाद में लिमिट कंप्यूट करने के लिए जाएंगे तो फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हमको पता ही है कि लिमिट हमारे केस में एप्लीकेबल है, तो हम कंप्यूटेशन भी शुरू कहां से करेंगे फ्रेंड्स, बाय वे ऑफ कंप्यूटिंग लिमिट फ्रेंड्स, क्लियर। तो हमको लिमिट पता है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, तो हम पहले कंप्यूटेशन शुरू करेंगे बाय वे ऑफ कंप्यूटिंग एडजस्टेड जीटीआई। तो हम कंप्यूट करेंगे फ्रेंड्स एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। व्हाट इज एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस टोटल इनकम, व्हाट इज अवर ग्रॉस टोटल इनकम आप चेक करो फ्रेंड्स, इज 775,000। तो अवर ग्रॉस टोटल इनकम इज फ्रेंड्स 775,000, उसमें से क्या क्या लेस करो, आप लेस करो ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट एटीजी, बिकॉज एटीजी के लिए हमको तो ये डिडक्शन चाहिए फ्रेंड्स, ये लिमिट चाहिए। तो हम लेस करेंगे उसमें से एटीसी, हम लेस करेंगे उसमें से ACCC, हम लेस करेंगे से उसमें ATD, हम फर्दर लेस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट है नहीं हमारे एग्जांपल में, हम फर्दर लेस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, वो भी हमारे केस में नहीं है, 115A, AB, AC, ADD, ऐसी कोई स्पेशल इनकम भी हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। चेक करो ATC, कितना था ATC, 18,000 रुपीज़ हमारा ATC था फ्रेंड्स, जो हम यहाँ से लेस कर देंगे टू अराइव एट एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ACCC भी लेस करेंगे विच इज 60,000 रुपीज़ फ्रेंड्स, ATD भी लेस करेंगे विच इज़ वॉट फ्रेंड्स 26,000। जो हमारे पास बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे फ्रेंड्स एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। बट फ्रेंड्स ये हमारी लिमिट नहीं है, हमारी लिमिट तो फ्रेंड्स क्या है, इसका 10% है। चेक करो कैलसी में ले लो, 775,000 माइनस करेंगे 18,000, माइनस करेंगे 60,000, माइनस करेंगे 26,000, आंसर आएगा फ्रेंड्स 671,000। ये हमारा क्या आ गया, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम फ्रेंड्स। बट ये लिमिट नहीं है, लिमिट इज व्हाट फ्रेंड्स, लिमिट इज फ्रेंड्स 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, लिमिट इज 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, मीनिंग thereby 10% ऑफ 671,000, मीनिंग thereby 67100 इज अवर एप्लीकेबल लिमिट फ्रेंड्स, क्लियर। इस लिमिट के ऊपर आपका डिडक्शन जा सकता नहीं है फ्रेंड्स जनरली, क्लियर। चलो थर्ड चेक करो फ्रेंड्स, डोनेशन एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन बट विदाउट लिमिट। तो ऐसा डोनेशन हमारे पास है सो तो लिखा 100% विदाउट लिमिट। चेक करो कितना डोनेशन किसको किया था 100% विदाउट लिमिट वाला, देखो ये डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड विच इज 25,000 जो हमने किया था, एलिजिबल होगा 100% विदाउट लिमिट के लिए फंड। समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ, वो नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000 चेक से किया तो 100% विदाउट लिमिट आपका यहाँ पे कवर किया जाएगा फंड्स, क्लियर। तो डोनेशन इज इक्वल टू नेशनल चिल्ड्रन फंड को आपने डोनेशन दिया 25,000 का, जो भी डोनेशन आपने दिया इट इज़ फ्रेंड्स एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन, बिकॉज यहाँ पे कोई लिमिट आपको एप्लीकेबल होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। तो 25,000 आपको फुल डिडक्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारा डोनेशन एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन बट विदाउट एनी एप्लीकेबल लिमिट। तो डोनेशन 50% है बट एप्लीकेबल लिमिट उसमें कुछ होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। और चेक करो कौन सा ऐसा डोनेशन है फ्रेंड्स हमारे पास 50% विदाउट लिमिट वाला, जवाहरलाल बरोबर ना, जवाहरलाल इंदिरा राजीव PM ड्रॉट रिलीफ फंड इज एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन विदाउट एनी एप्लीकेबल लिमिट। तो वो डोनेशन भी हमारे पास कितना है फ्रेंड्स 25,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चेक करो 50% विदाउट लिमिट इज जवाहरलाल, 25,000 का डोनेशन हमारे पास था फ्रेंड्स। डिडक्शन कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 12,500 फ्रेंड्स आपको एलिजिबल होगा डिडक्शन। अब फ्रेंड्स एग्जाम में खाली जवाहरलाल मत लिखना, अदरवाइज फ्रेंड्स थोड़ी तकलीफ पड़ सकती है, ओके। तो आप फुल फ्रेज लिख देना फ्रेंड्स। नंबर 5 इज 100% डिडक्शन विथ एप्लीकेबल लिमिट। डिडक्शन तो 100% मिलेगा बट लिमिट के साथ आपको ये डिडक्शन अवेलेबल होगा फ्रेंड्स, क्लियर। तो ऐसा कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है आप चेक करो फ्रेंड्स 100% विथ लिमिट वाला, 100% फैमिली प्लान। तो आप एग्जाम में पूरे पूरे लिखना डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। अभी हम खाली लिखेंगे फैमिली प्लानिंग, शॉर्ट लिख रहे हैं बिकॉज प्रेजेंटेशन में हमारा टाइम अननेसेसरी वेस्ट ना हो, बट आपको प्रेजेंटेशन पता चलेगा कैसे करना है, बट उसमें लिखने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। बट एग्जाम में आप शॉर्ट मत लिखना, अदरवाइज मार्क्स भी थोड़े शॉर्ट आ जाएंगे फ्रेंड्स, क्लियर। तो फैमिली प्लानिंग 40,000 चेक से था, 100% विथ लिमिट वाला था फ्रेंड्स। चलो फैमिली प्लानिंग कितने का फैमिली प्लानिंग किया फ्रेंड्स,
40,000 आपका लिमिट कितनी है फ्रेंड्स, वो ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। लिमिट चेक करो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिमिट कितनी है 67100 की हमारी फ्रेंड्स एप्लीकेबल लिमिट है, तो लिमिट इज फ्रेंड्स 67100। सो आपका डिडक्शन कितना होगा, देखो डोनेशन 40,000 का है, लिमिट ज़्यादा है, डोनेशन से लिमिट मेरी ज़्यादा है, तो डिडक्शन मेरा कितना रह जाएगा फ्रेंड्स, जितना भी मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया वो फुल डिडक्शन मुझे 40,000 रुपीज़ का अवेलेबल होगा फ्रेंड्स, क्लियर। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट इज 50% डिडक्शन विथ एप्लीकेबल लिमिट फ्रेंड्स, तो डिडक्शन आपका 50% होगा बट विथ लिमिट होगा फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे चेक करो 50% विथ लिमिट में कौन फॉलो होगा, पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 1,50,000 आपने दिए है बाय वे ऑफ चेक फंड्स, क्लियर। इट इज एलिजिबल फॉर 50% विथ लिमिट मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फंड्स, क्लियर। चलो 1,50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, अमाउंट एक बार मैं रिकन्फर्म कर दूँ, रुपीज 1,50,000 बरूबर है, तो आपने दिया था पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को फ्रेंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रुपीज 1,50,000 का आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है फ्रेंड्स, क्लियर। चलो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूट करनी पड़ेगी बैलेंस लिमिट, बिकॉज ऑब्वियसली फुल लिमिट अवेलेबल नहीं हो जाएगी, उस लिमिट में से जो 67100 हमारे पास लिमिट अवेलेबल थी उसमें से फ्रेंड 40,000 एग्जॉस्ट भी तो हो गई ना, तो लिमिट अभी कितनी फाइनली हमारे पास बची फ्रेंड्स इज 27100, इतनी हमारे पास लिमिट अवेलेबल हो गई। डिडक्शन कितना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने जैसा पॉइंट, डिडक्शन हमारा कितना अवेलेबल होगा फ्रेंड्स, पहले हमको कंप्यूट करनी पड़ेगी लिमिट, बाद में उसका 50% L50 के L5 इतना याद रखना फ्रेंड्स। तो हम 50% किसका करेंगे, लिमिट का, मतलब सिंपल वर्ड्स में इट इज फ्रेंड्स 50% of 27100, मतलब आपका 50% 27100 का कितना होगा फ्रेंड्स, इट वुड बी 13550, एंड इतना फ्रेंड्स आपको क्या मिलने वाला है, डिडक्शन फॉर 50% विथ लिमिट। आई थिंक ये आपको होपफुली पता चला, पहले लिमिट करो बाद में उसका 50% फ्रेंड्स, क्लियर। एटीजी का टोटल करना हो फ्रेंड्स तो टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीजी हमारा कितना होगा, तो आप चेक करो, फर्स्ट में था इट वॉज रुपीज 25,000, देन इट वॉज फ्रेंड्स 12,500, then it was friends 40,000, and last it was 13550 friends, clear। Total करो तो 25,000 plus 12,500 plus 40,000 plus 13550 coming thereby 91050, इतना friends हमारा हो गया total deduction under which section 80G। आंसर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है फ्रेंड्स, शुरू भी नहीं हुआ खत्म होने आया है फ्रेंड्स। 91050 को हम हमारे टोटल इनकम के स्टेटमेंट में से लेस कर देंगे, यहाँ से लेस कर दो फ्रेंड्स 91050, जो बैलेंस बचेगा वो हमारा होगा टोटल इनकम 7,75,000 में से लेस करेंगे 18,000, 60,000 को फर्दर लेस करेंगे 26,000 को लेस करेंगे, 91050 को भी लेस कर देंगे, बचेगा 579,950 इज फ्रेंड्स अवर टोटल इनकम, जिसके ऊपर हमको इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्रेंड्स, क्लियर। होपफुली आपको पता चला होगा पूरा क्वेश्चन विच वॉज अंडर सेक्शन 80G। 80G को कंक्लूड करें, चार पार्ट्स में डिवीजन करना है फ्रेंड्स, बोलते रहना पड़ेगा आपको 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट, 100% विद लिमिट, 50% विद लिमिट फ्रेंड्स, क्लियर। अंदर का कंटेंट एक बार बोल दूं फटाफट फास्टेस्ट, 100% विदाउट लिमिट अफ्रीका सेंट्रल नेशनल पीएम स्टेट सीएम जिला, देन आएगा 50% विदाउट लिमिट, उसमें फ्रेंड्स पीएम ब्रॉट एलिफेंट जवाहरलाल इंदिरा राजीव गांधी, नेक्स्ट आएगा 100% विद लिमिट ओलंपिक्स में फैमिली प्लानिंग 50% विद लिमिट, उसमें फ्रेंड्स आएगा पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी कम्युनिटी रिलीजियस प्लेसेस, एंड एक लास्ट बच गया फ्रेंड्स एक मिनट आप चेक करो, एक लास्ट कौन सा बच गया, चैरिटेबल हाउसिंग अकोमोडेशन, तो चैरिटेबल हाउसिंग अकोमोडेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड रिलीजियस प्लेसेस फ्रेंड्स। लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, लिमिट होगी फ्रेंड्स 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। व्हाट इज एडजस्टेड जीटीआई इज फ्रेंड्स जीटीआई लेस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट एटीजी लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A लेस 115A ABAC ADD। दो बातें ध्यान में रखनी है, डोनेशन इन काइंड नॉट एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन, एंड लेट अस से डोनेशन इन कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीज 2000 इज अगेन नॉट एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन फ्रेंड्स, क्लियर। डोनेशन के चार सेक्शंस में से हमने एक सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट थी इस ग्रुप में वो हमने डिस्कस की, इट वॉज फ्रेंड्स 80G। हाय फ्रेंड्स, तो डोनेशंस की फ्यू सेक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स, उसमें से फर्स्ट जो हमने डिस्कशन खत्म किया इट वॉज फ्रेंड्स 80G, क्लियर।
तो डोनेशंस के लिए हमारे पास इन टोटल सेक्शंस जो आगे भी डिस्कस की थी वो कितनी थी, 80G, बाद में 80GGA, बाद में 80GGB एंड लास्ट कौन सी होने वाली है फ्रेंड्स, 80GGC फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये चार सेक्शन डोनेशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स, 80G वी आर डन विद फ्रेंड्स। नाउ वी आर ऑन टू फ्रेंड्स 80GGB एंड 80GGC, रिलेटिवली थोड़ी इजी सेक्शन है, विच इज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। तो फ्रेंड्स आप जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो उसका डिडक्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा अंडर विच सेक्शन फ्रेंड्स, 80GGB एंड 80GGC फ्रेंड्स। तो दो सेक्शन क्यों है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल है, जो फ्रेंड्स आप कंपनी हो तो डिडक्शन आप कहाँ पे क्लेम करोगे, जहाँ पे आप डिडक्शन क्लेम करोगे वो क्या होगा फ्रेंड्स, अंडर विच सेक्शन 80GGB। जो फ्रेंड्स आप अदर देन कंपनी हो तो आप डिडक्शन कहाँ पे क्लेम करोगे, डिडक्शन आप क्लेम करोगे फ्रेंड्स अंडर विच सेक्शन 80GGC। फ्रेंड्स यहाँ पे दो चीज़ है जहाँ पे आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, फर्स्ट इज फ्रेंड्स पॉलिटिकल पार्टी और आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट। तो दो जगह पे आप कॉन्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, डोनेशन का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। तो पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट, इफ यू आर कंपनी डिडक्शन आपको एलिजिबल होगा अंडर विच सेक्शन 80GGB एंड इफ यू आर पर्सन असेसी अदर देन कंपनी, डिडक्शन की एलिजिबिलिटी कहाँ पे आएगी फ्रेंड्स, 80GGC विच इज अदर देन कंपनी फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे 100% डिडक्शन की एलिजिबिलिटी आपके केस में आएगी फ्रेंड्स। याद करो 80G की बात थी, कैश कॉन्ट्रीब्यूशन की लिमिट कितनी थी, 2000, बरोबर ना फ्रेंड्स। तो 2000 के ऊपर आपने कैश कॉन्ट्रीब्यूशन किया, आपको डिडक्शन अवेलेबल होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो यहां पे कैश की लिमिट अवेलेबल होगी, वो कैश की लिमिट कितनी होगी पता है, जीरो। शाहरुख खान मतलब एक रुपए का आपने कैश पे किया, डिडक्शन आपका कितना हो जाएगा, एब्सोल्युटली जीरो फ्रेंड्स। क्लियर, दो तीन ध्यान में रखने की बात है, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्ट्रल ट्रस्ट, जहां पे आप कंट्रीब्यूट करोगे फुल डिडक्शन 100% आपको अवेलेबल होगा, पर कैश की लिमिट फ्रेंड्स यहां पे कितनी है, जीरो। क्लियर, इतना एक बार पढ़ लेते हैं हमारे मटेरियल से, एकदम छोटे छोटे सेक्शन से फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो। 80GGB is contribution by companies to political party friends, clear, check करो। Deduction shall be allowed in respect of any contribution made by Indian company to political party which is registered under Representation of People's Act 1951 or to electoral trust। तो if you are contributing to political party or electoral trust in the capacity of company, तो you are eligible for deduction under which section, 80GGB। Next आएगा friends 80GGC, contribution by any person to political party friends। तो other than companies का डिडक्शन कहां पे क्लेम करेंगे, इट वुड बी फ्रेंड्स अंडर सेक्शन 80GGC। चेक करो, डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एनी पर्सन अदर देन कंपनी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी विच इज रजिस्टर्ड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और इलेक्ट्रल ट्रस्ट। हाउएवर नो सच डिडक्शन शैल बी अलाउड टू लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल पर्सन हु इज होल्ली और पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट फंड्स। तो दो लोगों को मना कर दे, डिडक्शन उनको अवेलेबल नहीं होगा, फर्स्ट उसमें से कौन होगा, लोकल अथॉरिटी, सेकंड उसमें से कौन होगा फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसमें गवर्नमेंट का फंडिंग है, तो इन लोगों को डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा फ्रेंड्स। क्लियर, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी नॉट इन कैश, नॉट टू इन कैश, मतलब कैश में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे तो डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल अलाउ होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर, तो डोनेशंस की बात की, फर्स्ट वॉज 80G डोनेशन टू वेरियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट वॉज 80GGB 80GGC। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 80GGB 80GGC में एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा, जो आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो, जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है एज एडवर्टीजमेंट इन ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड कॉन्ट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है, डोनेशन एक्चुअली इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पे वर्ड कॉन्ट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स जो हमारे वहाँ पे वर्ड कॉन्ट्रीब्यूट है ना, दैट इंक्लूड्स अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इफ यू आर मेकिंग एडवर्टीजमेंट इन ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तो भी इसका डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अलाउ होगा फ्रेंड्स। तो कभी कभी ICAI ऐसा पूछ ले तो आपको तकलीफ ना पड़े फ्रेंड्स। तो इफ यू आर एडवर्टाइजिंग इन ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर वॉट, फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। क्लियर, नेक्स्ट आएगा हमारे वहाँ पे फ्रेंड्स 80GGA। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा रेफरेंस है हमारे हेड PGBP का। तो फ्रेंड्स हेड PGBP में हम ऐसा सीखते हैं कि आपने डोनेशन दिया फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, आपने डोनेशन दिया फॉर द पर्पज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आपने डोनेशन दिया टू नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन फंड एंड सो ऑन फ्रेंड्स।
तो ये कभी कभी हेड पीजीबीपी में आपको वेटेड डिडक्शन अलाउ करता है, कभी कभी 125, कभी कभी 150, कभी कभी 100 ऑल्सो फ्रेंड्स। तो आपने डोनेशन दिया सोशल रिसर्च, मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए, आपने डोनेशन दिया सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, आपने डोनेशन दिया फॉर द पर्पज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आपने डोनेशन दिया टूवर्ड्स नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन फंड, तो दिस ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर विच हेड ऑफ इनकम इज अंडर हेड पीजीबीपी। बट हेड पीजीबीपी अट्रैक्ट कब होगा, जब आपके पास बिजनेस इनकम होगी फ्रेंड्स, जब आपके पास बिजनेस इनकम होगी तब जाके हेड पीजीबीपी में आप क्या क्लेम कर पाएंगे डिडक्शन। बट मेरी इनकम तो फ्रेंड सैलरी में है, मेरी इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी में है, मेरे पास तो फ्रेंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, बिकॉज आपको पता है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो कि शॉर्ट टर्म ट्रिपल बने उसमें से डिडक्शन मिल सकता नहीं, तो मेरे पास नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, मेरे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, तो ये मेरे पास पीजीबीपी अलावा हेड में मेरी इनकम फॉल होती है, तो मुझे उसका डिडक्शन कहां पे मिलेगा, तो उसका डिडक्शन इस कंट्रीब्यूशन का मुझे कहां पे मिलेगा फ्रेंड्स, ATGGA। तो इफ आई एम हैविंग इनकम, इफ आई एम असेसी हैविंग इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, तो ये सारा कंट्रीब्यूशन मैं कहां पे क्लेम करूंगा एज डिडक्शन, ये सारा कंट्रीब्यूशन मुझे अलाउ होगा अंडर हेड पीजीबीपी, इफ आई एम हैविंग इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, बट मेरी इनकम पीजीबीपी के अलावा कोई हेड में है तो उसका डिडक्शन फ्रेंड्स मुझे यहां पे अवेलेबल होगा अंडर विद सेक्शन ATGGA फ्रेंड्स। क्लियर, यहां पे कैश की लिमिट है इज रुपीज फ्रेंड्स 10,000 जो आपको फॉलो करनी होगी, 10,000 के ऊपर आपने कोई भी कैश कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो उसका डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अलाउ होने वाला नहीं है। क्लियर, चलो अब जरा चेक करते हैं हमारा ये डिडक्शन ATGGA फ्रेंड्स। डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी ऑल असेसी, बट बहुत इंपॉर्टेंट नॉट हैविंग एनी इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, मतलब आपकी इनकम हेड पीजीबीपी में नहीं होनी चाहिए तब जाके डिडक्शन आपको अलाउ होगा। तो फ्रेंड्स हेड पीजीबीपी में इनकम हो तो वहां पे उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा, यहां पे इसका डिडक्शन आपको अलाउ होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर, पर्पस क्या होगा, डोनेशन इज टू अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टेटिस्टिकल रिसर्च और यूनिवर्सिटी कॉलेज एक्सेट्रा फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च स्टेटिस्टिकल रिसर्च और रिसर्च इन सोशल साइंस। सिंपल वर्ड्स में सोशल स्टेटिस्टिकल रिसर्च के लिए आप जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे अदर देन हेड इनकम अंडर हेड पीजीबीपी होगा, तो अब यहां पे क्या क्लेम कर पाएंगे उसका डिडक्शन फ्रेंड्स। क्लियर, नेक्स्ट आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो टू अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और लोकल अथॉरिटी और एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय नेशनल कमिटी फॉर कैरिंग आउट एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम और टू नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट विच आर फुली डिडक्टेबल फंड। सिमिलरली आप नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करोगे तो भी इसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। क्लियर, कंडीशन कहती है नो डबल डिडक्शन, जिसका डिडक्शन आपने यहाँ पे क्लेम किया तो और कोई जगह पे इसका डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर, तो यह छोटा सा ध्यान आपको रखना है, 10,000 के ऊपर जो भी आप कैश कॉन्ट्रीब्यूट करोगे उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर, एकदम सिंपल सिंपल थी हमारे डोनेशन के सेक्शंस, विच उसमें से फर्स्ट थी हमारे पास ATG डोनेशंस जो हमने इन डेप्थ डिस्कस किया, 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट, 100% विद लिमिट, 50% विद लिमिट। लिमिट कितनी, 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। व्हाट इज एडजस्टेड GTI, GTI लेस ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट ATG, लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लेस 115AABACADD। कैश की लिमिट कितनी, 2000। नेक्स्ट आएगा था डिस्कशन में ATGGB, ATGGC, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्ट्रल ट्रस्ट। कंपनी होगा तो डिडक्शन कहां पे मिलेगा, ATGGB। अदर देन कंपनी होगा तो डिडक्शन कहां पे मिलेगा, ATGGC। कैश कंट्रीब्यूशन की लिमिट कितनी है, 0। आप एडवर्टीजमेंट देंगे इन ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तो भी डिडक्शन की एलिजिबिलिटी आएगी फ्रेंड्स। एंड लास्ट इज ATGGA, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च सोशल स्टेटिस्टिकल रिसर्च एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन फंड, जो आपकी इनकम हेड पीजीबीपी के अलावा कोई हेड में होती है तो डिडक्शन आपको यहां पे अवेलेबल होगा विद कैश लिमिट ऑफ रुपीज व्हाट, 10,000 के ऊपर जो भी कैश कंट्रीब्यूशन करोगे उसका डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है फ्रेंड्स।